अंजू बनी फातिमा, देश में बड़ा बवाल। इस्लाम कबूल कर बनी पाकिस्तानी बहू, झूठ बोलने में अंजू निकली सीमा की भी बाप। पति को फोन कर बोली मेरी डॉक्यूमेंट्स छिपा दो, पुलिस को मत देना, खतरे में भारत की सेना। पहले बोली मैं शादी नहीं करूंगी, फिर रातों रात क्या हुआ ऐसा कि अंजू से बन गई फातिमा और इस्लाम कबूल कर बन गई मुसलमान। नसुल्ला और पाक आर्मी ने पढ़ाई पट्टी या ISI ने अंजू के भारत आने पर लगा दी है रोक? सीमा का बदला चुकाएगी अंजू? झूठ बोलने में सीमा की भी बाप निकली है अंजू? अंजू का एक कॉल रिकॉर्डिंग सामने आया है जिससे पता चल रहा है कि वो कुछ छिपाना चाहती हैं। पति को डेविड नाम से पुकारा, फिर कहा मेरे डॉक्यूमेंट्स पुलिस को तो नहीं दिए, उन्हें अलमारी में छिपा देना। पहले तो अंजू बोली कि वो नसरुल्ला से शादी नहीं करेगी, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि उनके निकाह की तस्वीरें सामने आने लगी? निकाह का सच जानने से पहले आप जरा ये ऑडियो सुनिए। क्या हाल है? डेविड नहीं, मैं बोल रहा हूँ। क्या हाल है? अच्छा, खाना खा लिया है? हाँ। यहाँ तो मैंने चिकन बनाया था। अच्छा, यो बता, आने का कब तक है प्लान? आने का ना ना। हेलो। हाँ ना, नहीं नहीं, मैंने तो कुछ दिया नहीं ना। अच्छा, आने का अभी कोई टाइम? अच्छा, हाँ, मीडिया में क्या चल रहा है? अच्छा, उधर कोई शादी कर रही है क्या तू? अच्छा, कल दिन में बात करेगी? चलो ठीक है। इस ऑडियो में अंजू ने साफ बोला है कि वो शादी नहीं करेंगे। फिर वो नसरुल्लाह कोर्ट कैसे पहुंच गए और उनके निकाह की तस्वीरें कैसे सामने आ रही हैं? आपको बता दें कि पाकिस्तान में अंजू जिस घर में रुकी है वहां आधी रात को सादी वर्दी में कुछ लोग पहुंचे थे। उन्होंने अंजू को कुछ समझाया या धमकाया और फिर अगले ही दिन उसके निकाह की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अब यहां सवाल ये है कि वो सादी वर्दी वाले लोग कौन थे? उन्होंने ऐसा क्या कहा कि अंजू अपने दो बच्चों और पति को छोड़ने के लिए राजी हो गई? क्या सादी वर्दी वाले लोग ISI के एजेंट थे जिन्होंने अंजू को कहा कि अब तुम हिंदुस्तान नहीं जा सकती? अंजू जहां रह रही है वो पाकिस्तान का आतंकी अधिग्रहित क्षेत्र है। 34 साल की अंजू अपने पाकिस्तानी दोस्त 29 साल के नसरुल्लाह से 2019 में फेसबुक के जरिए उसकी दोस्त बनी थी। इस जोड़े ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश की स्थानीय अदालत में शादी रचाई। अपर दीर जिले के मोहरर सिटी थाने के वरिष्ठ अधिकारी मोहम्मद वहाब ने बताया, नसरुल्लाह और अंजू की शादी आज संपन्न हुई और उसके इस्लाम अपनाने के बाद विधिवत निकाह हुआ। पुलिस अधिकारी ने कहा कि दोनों नसरुल्लाह के परिवार के सदस्यों, पुलिस कर्मियों और वकीलों की मौजूदगी में दीरबाला की जिला अदालत में पेश हुए। मलकंद डिवीजन के उप महानिरीक्षक नासिर महमूद सत्ती ने निकाह की पुष्टि की और कहा कि इस्लाम अपनाने के बाद अंजू का नाम फातिमा रखा गया है। अंजू की शादी राजस्थान में रहने वाले अरविंद से हुई थी। उनकी 15 साल की बेटी और 6 साल का बेटा है। अंजू वाघा अटारी सीमा के जरिए भारत से वैध तरीके से पाकिस्तान आई थी। नसरुल्लाह शेरिंगल विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक हैं और 5 भाइयों में सबसे छोटे हैं। अंजू के पति अरविंद ने राजस्थान के भिवाड़ी में पत्रकारों को बताया कि उनकी पत्नी बृहस्पतिवार को जयपुर जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन बाद में जानकारी मिली कि वो पाकिस्तान में है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अंजू जल्द घर लौट आएगी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ना वो लौटी
और अब ना ही उनके पति और बच्चों का कुछ अता पता है। अब अंजू के पाकिस्तान जाने की खबर सामने आई तो मध्य प्रदेश पुलिस तुरंत अंजू के पिता के घर पहुंची और उसके पिता भी वहां पर नहीं मिले, जो कि गायब है। उधर राजस्थान पुलिस अलग परेशान है कि भिवाड़ी के जिस फ्लैट में अंजू के पति और बच्चे रहते थे वो ताला बंद कर कहीं और चले गए हैं। यूपी के जालौन में भी अंजू के रिश्तेदार रहते हैं। अब तीनों राज्यों की पुलिस जाँच के बाद क्या रिपोर्ट देती है ये वही जाने, लेकिन फिलहाल अंजू की नसरुल्लाह से निकाह की खबर ने कई लोगों को चौंका दिया है। ये मसला अब सिर्फ अंजू का नहीं रह गया, पूरे देश की सुरक्षा का है, क्योंकि अंजू के दादा बीएसएफ में रहे हैं, अंजू के चाचा अभी बीएसएफ में है, तो क्या आईएसआई ने कोई नई चाल चली है? अंजू से पाकिस्तान को क्या फायदा हो सकता है? नसरुल्लाह से प्यार में पुलिस की एंट्री क्यों हुई? अंजू सीमा हैदर की तरह बिना वीजा पाकिस्तान में नहीं घुसी थी, बावजूद उसके पाकिस्तानी पुलिस ने उसकी जांच की और बाद में ये कहा कि अंजू बिल्कुल बेहतर तरीके से यहां आई है। अब यहां समझने वाली बात यह है कि जो पाकिस्तानी पुलिस और सेना हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति को एक झटके में जासूस बता देती है, वो अंजू से आखिर क्या चाहते हैं, वो उसका साथ क्यों दे रहे हैं।